प्लान में एक ट्विस्ट था। हम लोग ने डिसाइड किया था कि रात को 9 बजे यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से जाएंगे सीधा उज्जैन महाकालेश्वर, और इफ वहाँ जल्दी दर्शन हो गए तो वहाँ से जाएंगे ओमकारेश्वर, जो करीबन 132 किलोमीटर दूर था वहाँ से। तो एज पर प्लान हम लोग यहाँ से रात को 9 बजे भी निकल गए, महाकालेश्वर के दर्शन भी हमारे जल्दी हो गए, और फिर वहाँ से नाश्ता करके हम लोग निकले ओमकारेश्वर जाने के लिए। थोड़ा 5-6 किलोमीटर गए और फिर दो रूट आए, एक था ओमकारेश्वर और एक था भोजेश्वर मतलब भोपाल। तो हमारे साथ जो हमारे वडील थे विक्रम भाई, उन्होंने बोला कि भोपाल में भी भोजेश्वर जो मंदिर है महादेव का है और काफ़ी अच्छा मंदिर है और उसका भी कोई अलग हिस्ट्री है। तो हमने बोला तो चलो वहाँ चलते हैं पहले। तो हमारा प्लान ओमकारेश्वर की जगह हो गया भोजेश्वर भोपाल। फोटो में जो आप लेक देख रहे हो वो भोपाल का है, मतलब मध्य प्रदेश का जो कैपिटल है भोपाल, वहाँ का जो सबसे बड़े लेक के नाम से जाना जाता है, अपर लेक या बड़ा लेक, जो राजा भोज ने 11वीं सदी में बनाया था, और इसका नाम भोजताल भी कहा जाता है। और भोपाल के 40% पॉपुलेशन जो है पानी रोज़ का इसमें से यूज़ करती है, और पूरे इंडिया में सबसे पुराने लेक में से एक लेक है जो मैन मेड लेक्स भी कहा जाता है इसको। और इस लेक की जो लेंथ है 31.5 किलोमीटर है, प्लस इसकी जो विड्थ 5 किलोमीटर की है, और एरिया जो है वो 31 किलोमीटर का है। भोपाल सिटी है इंडिया के टॉप 10 क्लीनेस्ट सिटी में इनका नाम आता है, और इतनी क्लीन सिटी मैंने आज तक नहीं देखी जितनी भी सिटी और स्टेट्स में मैं घुमा हूँ। तो ये जो मंदिर है 11वीं सदी में बनाया गया था राजा भोज के द्वारा, जो भोपाल से 32 किलोमीटर दूर है, और इसकी एक अलग ही हिस्ट्री है। तो ये फोटो में आप जो शिवलिंग देख रहे हो भोजेश्वर महादेव का, उसकी जो हाइट है वो 7.5 फीट है, मतलब 2.3 मीटर, और जो राजा भोज के द्वारा बनाया गया था 11वीं सदी में।
अब वीडियो में जो शिवलिंग देख रहे हो वो भोजेश्वर महादेव है, जो भोपाल से 35 किलोमीटर दूर है, भोपाल सिटी के बाहर। और ये जो मंदिर है राजा भोज की निगरानी में बनाया गया था। आप सोच रहे होंगे हमने वो कहावत सुनी थी, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगूतेली, कहीं वही राजा तो नहीं है? हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, वही राजा भोज है और उन्हीं के नाम से सिटी का नाम रखा गया है भोजपुर। और ये जो खासियत, सबसे बड़ी खासियत यहाँ की है कि ये मंदिर जो है एक रात में बना गया है और उसका जो शिवलिंग की हाइट है वो 18 फीट है। महाकालेश्वर, महाकालेश्वर टू भोजेश्वर, और इसका एक और पार्ट है जो तीसरा पार्ट है, जो हम गए थे भोजेश्वर से ओमकारेश्वर, तो उसका वीडियो मैं नेक्स्ट वीक अपलोड करने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।